और गुजरात के एक छोटे से गांव चोरबाड में पैदा हुए थे देश के मशहूर उद्योगपति धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी के इस पुश्तैनी गांव में बुनियादी सुविधाएं तो हैं, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि यहां पर पर्यटन की अनदेखी हुई है। गांव के लोग यहां बंदरगाह बनाए जाने की बात भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिनव उपाध्याय ने चुनाव से पहले चोरबाड गांव के लोगों का मिजाज जानने की कोशिश भी की है, आप भी देखिए। ये लिखा है धीरूभाई अंबानी का घर। स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी जो है वो चोरवाड़ से ही थे, यहीं से निकले थे और यहीं से निकलकर उन्होंने अपनी पहचान ना सिर्फ गुजरात बल्कि देश और विदेश तक पहुंचाई। उनका नाम देश विदेश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल है और चोरवाड़ का ये वही घर है मेरे पीछे जहां पर धीरूभाई अंबानी रहा करते थे, जिस घर से धीरूभाई अंबानी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। फिलहाल ये घर बेहद आलिशान सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पुराने लोग हैं चोरवाड़ के वो बताते हैं कि पहले घर साधारण था। धीरूभाई ने यहीं से अपने बिजनेस को शुरुआत की और बिजनेस को आगे ले जाते इस मुकाम तक पहुंचे कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में नाम शुमार हो गया धीरूभाई अंबानी का। चोरवाड़ के कई सारे लोग यहां पर हमसे बातचीत के लिए मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बुजुर्ग हमारे साथ में मौजूद है। सर नाम क्या है आपका? दया भाई लक्ष्मण भाई परमार। दया भाई, क्या आपको याद है कभी क्षण जब धीरूभाई यहाँ पर रहते थे, उस वक्त की कोई याद है आपके दिमाग? याद है थोड़ा। कब की बात है? लगभग कितने साल पहले? 70-72 माँ, 71-72 माँ, 70-72 यहाँ रहते थे कि आए थे? नहीं नहीं रहता रहते थे। तब ये घर कैसा था? वो घर तब ये घर कैसा था? ऐसा ही था कि ऐसे ही था, वो बैंक था, ऐसे ही था। वो डेला वानिया है ना, उसका था। अच्छा, आपकी कभी मुलाकात हुई धीरू भाई से? हाँ, मुलाकात हुई जमाना पहला। पहचानते थे वो आप? हाँ पहचान। 10 रुपये भाड़े रहता। अच्छा, इनसे बात कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? 10 रुपये भाड़े रहता। किस चीज का भाड़ा था 10 रुपये? हाँ घर का। हाँ घर का। किराया था? हाँ किराया। किराए से रहते थे धीरू भाई? किराए से रहते थे। बाद में खरीदा इस घर को? बाद में खरीदा। 50 रुपया माँ को थोड़ा माँ मकान वैसी ना, 10 रुपये भाड़े रहे भाई। क्या कहा इन्होंने? वो बोल रहा है कि वो दूसरा गांव है ना, वहाँ पे 50 रुपये में मकान बेच के यहाँ पर रहने के लिए आए थे और यहाँ से आगे बढ़े। हमारा सेठी भाई ने नौकरी में मास्टर में राखी दी था हरखलाल बापे। क्या बता रहे? वो बोल रहा है कि हमारे सेठ के पास उसको रखा था नौकरी पे धीरू भाई। हाँ अच्छा, आप क्या काम करते हो यहाँ पे? वो पगी का बाजू में बंदी सेट है ना, वहाँ वॉचमैन रहता है। वॉचमैन है। आप क्या 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 काम करते हैं? मैं यहाँ पे दुकान चलाता हूँ। दुकान चलाता हूँ। तो धीरू भाई के अंबानी के घर के सामने आपकी दुकान कैसी चलती है? बहुत अच्छा चलता है। बहुत अच्छा चलता है। किस चीज की दुकान है? और नारियल और गन्ने का जूस। गन्ने का जूस। अच्छा, चोरवाड़ में काम धंधा ठीक चल रहा है? एकदम मस्त चल रहा है। धीरू भाई का आशीर्वाद है सारी दुकानदारों पर? है। कहीं जीएसटी वीएसटी नोट बदली का कोई नजर तो नहीं लगी? नहीं 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 आए। इसका आशीर्वाद सबको होता है। इसका आशीर्वाद सबको होता है धीरू भाई का। गुजरात भर के जो बिजनेसमैन है वो परेशान है जीएसटी को लेकर, नोट बदली को लेकर बोल रहे हैं बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ी परेशानी हो गई, और धीरू भाई अंबानी के गाँव के लोगों को परेशानी नहीं हुई? क्या बोलता है? अच्छा बोलता है गाँव में। क्या दिक्कत हुई जीएसटी की वजह से? नहीं हुई। नहीं हुई यहाँ पे, नहीं हुई जीएसटी की वजह से नहीं। आपका किस चीज का काम है सर? मैं पीजी विसल में जॉब कर रहा हूँ। कहाँ पे? वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के। तो आपके तो मेरे ख्याल से जन्म के पहले धीरू भाई इस घर से जा चुके होंगे? जा चुके थे। अच्छा, अब यहाँ पर मुकेश भाई अनिल भाई कोई आते नहीं आते कभी? वो साल में 1-2 बार आते हैं, ज्यादातर तो कोकिला बेन ही आते हैं। अच्छा, आती रहती हैं महीना 2 महीना में? नहीं, 3-4 महीने या 6 महीने में 1 बार आता है। कोई बता रहा था कि यहाँ पर कुलदेवी का मंदिर भी है धीरू भाई अंबानी के परिवार का, तो उसकी पूजा करने आना पड़ता है? हाँ, वो तो बोलता है वो भवानी माता जी का मंदिर है ना होलीडे के बीच के पास, वहाँ पे आता है। अच्छा, धीरू भाई इस शहर से निकले, आज देश विदेश में धीरू भाई के नाम को जाना जाता है, क्या उन्होंने शहर के लिए कुछ किया यहाँ पर? स्कूल अस्पताल लोगों की सुविधा के लिए कुछ काम यहाँ पर किया? हाँ, वो एक यहाँ पे हाई स्कूल बना के रखा है और यहाँ बगल में एक बड़ा सा हॉस्पिटल खड़ा किया है, अभी 2 या 3 महीने पहले ही उसका ओपनिंग किया है। किसने ओपनिंग किया था? कोकिला बेन ने। कोकिला बेन, मतलब अस्पताल और स्कूल दोनों बुनियादी आवश्यकता की चीजें अंबानी परिवार ने दी है यहाँ पर। क्या
या विकास यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, कुछ आपको है लगता है कुछ और बेहतर होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और सब जगह पे गंदगी पड़ी है ना, वो साफ होनी चाहिए, साफ सफाई सब जगह पे रहनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा अभी नहीं हुआ है। साफ सफाई एक मुद्दा है आपके हिसाब से, और कुछ शहर में वो होना चाहिए? होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और जेटी का यहाँ जेटी बननी चाहिए बढ़िया, और इधर टूरिज्म पड़ा हुआ है कितने सालों से पड़ा हुआ है, कोई उसका ख्याल नहीं रखता और टेबल पे रखता ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। टूरिज्म आता इधर तो विकास होता इधर, ये हमारा पॉइंट है। इधर टूरिज्म के बारे में बहुत लोग आते थे पहले, नवाब का ये यहाँ है, नवाब आते थे पहले जूनागढ़ के, जब आते थे तब उसने पुराना वो पैलेस था अभी, अब ये खंडर हो गया। जेटली क्या आपने बात की, जेटली बननी चाहिए? जेटी मीन्स मतलब ये बड़ा बंदर आता है ना, बड़ी सी बात ये शिप ऐसा शिपयार्ड बंदरगाह बनना चाहिए, बंदरगाह बंदरगाह इधर का। सुना आपने धीरू भाई अंबानी का ये गांव है, उनके ठीक घर के सामने हमने लोगों से बातचीत की है, बुनियादी आवश्यकता की तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है, लेकिन चूंकि धीरू भाई अंबानी का गांव है, यहाँ के ये लोग भी वही हैं, धीरू भाई अंबानी के गांव के लोग हैं ये, और जो मुख्य बातें इन्होंने गिनाई हैं, विकास की तमाम चीजें इस गांव में मौजूद हैं।